नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से मेरे YouTube चैनल में। तो मेरा नाम सुभाष यादव है, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, भाई का एक YouTube चैनल है जिस पे आप लोग आते हैं, वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। आज इसी बात पे एक और नई वीडियो लेके आया हूँ। तो ये वीडियो जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो काफ़ी लोगों की दिक्कत रहती है कि किक मारते तो वो स्लिप हो जाती है, किस कारण से स्लिप होती है, इस वीडियो में वो पूरी जानकारी आपको एंड तक मिलेगी, ठीक है। तो गाइस कहीं जाना मत चैनल को छोड़ के, और वीडियो पर आए हो तो पूरी देख के ही वीडियो जाना। अगर स्किप करके देखोगे आप वीडियो तो मैं आपको जो जानकारी देना चाहता हूँ वो जानकारी भी नहीं मिलेगी आपको, ठीक है गाइस। तो मेरी वीडियो को स्किप करके ना देखे, पूरी वीडियो एंड तक देखे। जो हमारे पास जो दिक्कत आई है वो गाड़ी में स्टार्टिंग प्रॉब्लम हो रही थी काफ़ी, ठीक है, जिसके कारण वो स्टार्ट भी नहीं हो रही थी। जब उसकी किक मार रहे थे वो काफ़ी स्लिप किक जा रही थी, और उसमें क्या चीज़ ख़राब है मैं आपको वो पूरी आगे वीडियो में अपनी जानकारी बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं दो चार बातें बता देता हूं। गाइस अगर आप लोग मेरे चैनल पे आए हैं तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। भाई का यूट्यूब चैनल जैसे कि आप जानते हैं एस वाई बाइक सर्विस सेंटर। और गाइस अगर बाइक को आपको किसी चीज़ से भी दिक्कत परेशानी लगती है, आपकी स्कूटी या बाइक, अदरवाइज़ कोई और सी आपके कोई सी बाइक है, कोई सी भी स्कूटी, अगर आपको उसमें कोई दिक्कत लगती है तो मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। मेरा टेलीग्राम का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आपको इंस्टाग्राम का भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप मुझे वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। और वहाँ पर आप मेरी जाके इंस्टाग्राम में मैंने बहुत सारी वीडियो डाल रखी हैं, वहाँ से भी आप जाके उसे मेरी देख सकते हैं। गाइज तो हम चलते हैं अपनी बाइक की तरफ, देखते हैं उसमें क्या दिक्कत है। अभी हमारे सामने हेड है, तो हम सबसे पहले जो ये वाले वो इनके अंदर ये वाल फिट करेंगे, ठीक है। तो हमारे को ये वाल कैसे फिट करने हैं, जो सबसे पहले हमारा जो काम है इसके जो वाल सील है वो फिट करनी है। तुम्हारा वैरॉक की वाल सील है, तो हम सबसे पहले सिर्फ वाल सील को फिट कर लेंगे। वो काफ़ी फिट होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इनके जो वाल गाइड है हेड एंड के यहाँ पे इनमें सेट होती है, तो मैंने यहाँ पे सेट कर लेंगे। यहाँ से जो प्रेशर बनाने का काम करते हैं, अगर बाई चांस ये नहीं लाओगे आप तो यहाँ से तेल लीकेज होने के चांसेस रहते हैं, ऑयल निकलने के चांसेस रहते हैं, तो इसमें फाड़ लेते हैं पहले। तो उस सबसे पहले हम ये जो वाल सील हमारी, इन वाल सील को लोगों का लगा लेंगे। जैसे मैंने आपको दिखाया दो वाल सील होती है, दोनों तरफ इसके अंदर यहाँ पे लग जाएगी, एक इधर की तरफ लग जाएगी और एक इधर की तरफ लग जाएगी। तो इन दोनों वाल सील को हम ऐसे लगा लेते हैं, लगा लिया, और ऐसे हम दूसरी तरफ भी लगा लेंगे। ऐसे लगाने के बाद जो हम वाल सीलों को लगा लेंगे, उसके बाद जो हमारे जो वाल होते हैं इन्हें फिट करने होते हैं, ठीक है। इन्हें फिट करने के लिए देख लेंगे आपको, सबसे पहले हमें क्या चीज़ चेक करनी होती है, जो आप इनके अंदर वाल चीज़ चेक करेंगे डाल के, तो इसे एक बार आप ऐसे बाहर निकाल के देख लेंगे। अगर आपको उसमें आवाज़ टक की आवाज़ आ रही होगी तो मतलब आपके वाल गाइड ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। ऐसे हमारे को दोनों वाल हैं वो लगा लेंगे इसके अंदर, इन दोनों वाल से वालों को लगा लिया हमने। उसके बाद लगाने के बाद दो सिम होती है इसके अंदर, जैसे कि आपको ये सिम दिख रही है, फोकस करने वाली सिम पे, जैसे दो सिम आपको ये सिम दिख रही होंगी, ये दोनों सिमों को हम इसके अंदर लगा लेंगे, ठीक है। ये दोनों सिमों को लगा लेंगे इसके अंदर, एक इधर लगेगी एक उधर लगेगी, इनको लगा लिया हमने। ऐसे लगाने के बाद इनको बढ़िया तरीके से आप अंदर बिठा लेंगे, और वाल सील जो बिल्कुल उन्हें टक करके बिठा लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है, उसके बाद आपको एक कपड़ा लेना है, उस कपड़े को यहाँ पे आपको नीचे अच्छी तरीके से फिट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे फिट कर देंगे इसे, ठीक है। और उसके फिट करने के बाद आपको क्या करना है, इसके अंदर दो स्प्रिंग होती हैं, दोनों स्प्रिंग दिखनी चाहिए, जैसे कि आप चिखते, एक छोटी स्प्रिंग होती है एक बड़ी स्प्रिंग होती है, तो दोनों स्प्रिंग का अलग अलग काम होता है। जो इसके जो सस्पेंशन होते हैं जो वालों को सही ऊपर लेके आते हैं, जो बाहर वाली स्प्रिंग होती है वो काफ़ी हार्ड होती है, जो अंदर वाली होती है वो काफ़ी सॉफ्ट होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं कितनी प्यार से दब जा रही है, और जो बाहर वाली वो बहुत हार्ड है, वो नहीं दब पा रही ठीक से, और ये वाली देख रहे हैं आप कितनी प्यार से दब जा रही है, तो इसी तरीके से ये वाली नहीं दब पा रही है, और ये वाली कितनी प्यार से दब जा रही है। तो इन दोनों स्प्रिंग हमको लगा देना है पहले, तो आप सभी को हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। यार आप लोग कमेंट नहीं करते, मेरी वीडियो देखते तो हो पर आप लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट करके मुझे बताया तो करो आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है, और आपको किससे रिलेटिव वीडियो और चाहिए कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, तो मैं उसके रिकॉर्डिंग भी वो वीडियो लेके आऊँगा। आपकी जो प्रॉब्लम होती है वो मुझे बताया करें कि इसकी रिकॉर्डिंग आपकी प्रॉब्लम है, किस बाइक या स्कूटी से रिलेटिव आपकी दिक्कत या परेशानी है वो मुझे बताया करो, मैं उसके ऊपर भी आपको वीडियो ला के देता रहूँगा। आप लोगों के लिए ही तो मैं काम करता हूँ गाइस, नहीं तो मैं किसके लिए काम करूँगा। अगर आप लोग ही
मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे तो गाइज मेरा काम करना बेकार ही है ना गाइज। मैं वीडियो लाता हूँ तो आप लोगों के लिए तो लाता हूँ गाइज, आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिले, आपकी बाइक की स्कूटी की प्रॉब्लम जो वो सॉल्व होए, आप कहीं जा दूर ना जाना पड़े, खुद से ही छोटी छोटी जो चीज़ें होती है वो खुद से ही ठीक कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको वीडियो बना के ला के देता रहता हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बजा दें तो आपको आपकी बाइक से रिलेटिव इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल सके। गाइज आप लोग मेरी वीडियो देखते भी हो, काफ़ी बंदे देखते हैं, ये नहीं कि नहीं देखते हैं, वॉचिंग भी अच्छी करते हैं बहुत लंबी, पर गाइज आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं। गाइज सपोर्ट कराओ गाइज, क्योंकि आप लोग काफ़ी ज़्यादा बंदे ना वीडियो मेरी देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। गाइज सब्सक्राइब भी कराओ करो गाइज, किस लिए सब्सक्राइब नहीं करते हो? आप लोगों के लिए तो मैं वीडियो बना के, और आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करोगे आज, अगर आप लोगों में सपोर्ट नहीं ले आप लोगों का सपोर्ट ही चलेगा, जब तो हम एक फैमिली की काम करेंगे सर गाइज, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें आपको दिक्कत आती है वो परेशानी में आपके लिए लाता रहता हूँ, तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से आप काफ़ी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। ठीक है गाइज, अगर आपको कोई दिक्कत या परेशानी लगती है तो गाइज हमारी जो ऊपर की जो काटर होती है इसे लगानी है, जो ऊपर की जो सिम होती है उसको वाल लगानी है वो, ठीक है। उसके बाद इसकी जो काटर होती है, जो इन दोनों काटरों को कहते हैं काटर, वाल काटर नहीं कहते हैं, तो इनको लगा देंगे हम इसके अंदर। यहाँ पर इसको पहले हम इसको इसके अंदर दोनों को फंसा लेंगे इसके अंदर, तरीके से आप इनको लगा लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों जो काटर हमारी इनके अंदर फंस गए, उसके बाद हम इसको उसको फिट कर देंगे, यहाँ पे लगा देंगे, ऐसे लगा देंगे। इसके बाद यहाँ पे लगाने के बाद वो काफ़ी जो हमारी जो वाल सील है उसको पन्नी को यहाँ पे लगा लेंगे। उसके बाद जो हमारी जो 12 की टी गोटी है उसको लगाना है, और एक मिनट में वाल जो हमारे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बैठ जाएंगे, ठीक है। इसको लगा देंगे, इसके बाद हमने लगा देंगे, उसके बाद हल्का सा इसके बाद पैर रखेंगे और वाल सील को लगा लेंगे, उसके बाद ऊपर से इसकी दबाव डालेंगे, और देख सकते हो आप इसके अंदर जो बढ़िया से वाल ना बिल्कुल एक नंबर के बैठ चुके हैं। फिर उसका हल्का हल्का में से हाथ से हल्का ठोक देंगे, देख सकते हैं जो वाल है बिल्कुल अच्छे तरीके से बैठ गए हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं जो वाल है बिल्कुल बढ़िया तरीके से बैठ गए हैं। ऐसे ही हमारे को दूसरी तरफ की वाल बिठाने हैं। तो पहले फिर वही तीसरी तरकीब करनी है हमारे को, स्प्रिंग लेनी है दोनों तरफ, दोनों तरफ स्प्रिंग लगानी है, फिर स्प्रिंग लगाने के बाद यहाँ पे ऐसे लगा देनी है, उसको डाल देना है। उसके बाद जो ये भोगली है इसकी ये लगानी है, फिर इसमें काटर होती है काटर लगानी है, काटर को बड़े तरीके से लगा देंगे, फिर उसका इसे यहाँ पे हम सेट करेंगे। उसके बाद वाल सील है उसको रखेंगे यहाँ पे, हल्का पैर रखेंगे हम उसके बाद, ठीक है। इसको बाहर लगाने का बिल्कुल एक बार में, मतलब कि काफ़ी आराम से वाल से बैठ जाती है, और देख सकते हैं अभी दोनों जो वाल है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से बैठ गए, छोटे में बड़े में बड़े में, ठीक है। तो उस बात का भी ध्यान रखें आप लोग जब बिठाएं वाल, तो देख सकते हैं आप बिल्कुल जो वाल सील है बिल्कुल बढ़िया तरीके से बैठ चुके हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बिल्कुल अंदर जो बैठ चुके हैं बिल्कुल सेट होके, ऐसे ही दूसरी तरफ भी आपको दिख रहा होगा बैठ चुकी है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे जो रोकर हैं, केम के रोकर होते हैं, एक रोकर अलग होते हैं बैरिंग वाले रोकर हैं इसके अंदर, और एक बिल्कुल प्लेन होते हैं वो चौकट होते हैं। उस बात का भी ध्यान रखें आपके कौन से लगते हैं, तो रोलर वाले हैं तो रोलर वाले हम लगा देंगे इसके अंदर। जब आप रोकर को पिन बिठाएं तो इस बात का ध्यान रखें, एक तरफ इसके अंदर चूड़ी बनी होती है और एक तरफ बिल्कुल प्लेन होता है, तो इस बात का ध्यान रखें जो चूड़ी बनी होती है वो बाहर की तरफ रखें। जैसे कि आप चूड़ी आपको दिख रही होगी इसके अंदर चूड़ी बनी होती है, 13 नंबर की जो बोल्ट होती है चूड़ी बनी होती है वो बनी होती है, तो इसे आप बिल्कुल ही बाहर रखनी है आपको यहाँ पे, ठीक है। इसे हम बाहर यहाँ पे फिट कर लेंगे, इसे चूड़ी भी तो दिखाएंगे अभी बिल्कुल, जो हमारे जो रोकर है वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से बैठ चुका है यहाँ पे, ठीक है। हम ऐसे इसका जो दूसरा रोकर है वो भी बिठाएंगे, ऐसे हम दूसरे रोकर की जो हमारी जो चूड़ी है उसकी बाहर की तरफ कर लेंगे। आपको यहाँ पे दिख जाएगा आपको चूड़ी है, भाई कैमरे में सही से कैप्चर नहीं हो पा रहा होगा यहाँ पे आपको, जो उसकी जो चूड़ी है वो नहीं दिख पा रही होगी, ठीक है। बाकी हम तो दूसरी तरफ वो बिल्कुल प्लेन होता है, वहाँ चूड़ी नहीं होती है, बस धुंधला धुंधला यार दिख रहा है, यहाँ पे दिख रही होगी ये फोकस। चलो टायर तो जो चूड़ी है इसकी वो चूड़ी भी होती है, इसे हम तो ऐसी चूड़ी वाले को जो बाहर का हिस्सा है इधर की तरफ रखना है हमारे को, जिधर से हम बैरिंग बिठाएंगे उधर की तरफ नहीं, जिधर की तरफ हमारे को जो होता है इधर की तरफ रखना है। मजाक हो रहा है यहाँ पे, मजाक हो रहा है यहाँ पे।
उसको इस तरीके से बिठाने के बाद हमारे जो रोकर जो केम है उसको बिठाना है। रोकर तुमने बड़े तरीके से बिठा दिया, केम रोकर जिसे कहते हैं, और इसका तुम्हारी जो केम है उसको बिठाना है। तो इनको जब बिठाएं तो एक बार चेक कर लें आप जो इनकी जो बैरिंग है वो बिल्कुल फ्री काम कर रहे हैं और जाम वाम तो नहीं हो, और उसके बाद चेक कर लें आप इनकी बैरिंग में चाल वाल तो नहीं है बिल्कुल भी, अगर नहीं है तो इन बैरिंगों को आप बदल दें। बाकी ये बिल्कुल जो सही है बिल्कुल ठीक ठाक है, मैं इनको फिटा दूंगा। बाद आप लोग देख सकते हैं जो हमारा जो बैरिंग है वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से बैठ चुका है, इसके अंदर यहाँ पे बिल्कुल फिट हो चुका है, जो हमारा जो हेड था बिल्कुल बढ़िया तरीके से फिट हो चुका है। तो हमने आपको इसके अंदर बताया, तो आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा जो बैरिंग है ये बिल्कुल फ्री है, ठीक है। अब तुम्हारा हेड ऐसे कंप्लीट हो गया, हम हेड को फिट कर सो मच गाइस, मेरे वीडियो को सपोर्ट करने के लिए और इतना सब्सक्राइब करने के लिए मैं आपका बहुत शुक्रिया करता हूं, क्योंकि आप मुझे इतना सपोर्ट करते हैं गाइस। पर गाइस आप बहुत से ज़्यादा लोग मेरे यूट्यूब चैनल को देखते तो हैं पर उसे सपोर्ट नहीं करते गाइस, उसे सब्सक्राइब करा करो गाइस, सब्सक्राइब की मुझे बहुत ज़रूरत है। अब मेरे यूट्यूब चैनल को और ग्रो करो, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर किया करो। कम से कम गाइस इस मेरी वीडियो पर कम से कम 50 लाइक तो बनते हैं गाइस, क्योंकि मैंने इस पर काफ़ी मेहनत करी है, ठीक है। और अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं करोगे तो गाइस कैसे काम चलेगा, मैं किसके लिए काम करता हूँ, आप लोगों के लिए काम करता हूँ। अगर आप लोग ही मुझे सपोर्ट नहीं करोगे तो गाइस ऐसे कैसे काम चलेगा गाइस। एक सब्सक्राइब ही तो मांगता हूँ मैं उससे, और एक लाइक बटन ही तो मांगता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ मैं आप लोगों के लिए, किस लिए, एक सब्सक्राइब लाइक के लिए तो करता हूँ गाइस, इतना तो कर ही सकते हो गाइस यार। प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब और लाइक करें,